मौसम को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। देश के कई राज्यों में आगामी 24 घंटों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है बड़ा अपडेट। मानसून के बादल इस सीजन में जमकर बरसे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार मानसून अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक भी विदा नहीं हुआ है। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो है मानसून को लेकर एक ताजा अपडेट दिया है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार जो है 15 तारीख से देश में पूरी तरह से मानसून वापसी करेगा। इसलिए अभी जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से बारिश होने के आसार बने हुए हैं। वे अगले सात दिनों में जो है देश के कई हिस्सों में बादल बरसेंगे। मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक जो है देश के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। लक्षद्वीप और सटे दक्षिण पूर्व और पूर्वी अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 3-4 दिनों में मध्य अरब सागर के ऊपर कम दबाव में तब्दील होने की संभावना है। इसलिए इस सप्ते जो है केरल और माहे तमिलनाडु में अगले 3 दिन तक, महाराष्ट्र में भी जो है कुछ इलाकों में बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अभी वापसी की रेखा जो है 29 डिग्री नॉर्थ और 84 डिग्री ईस्ट होकर जो है ये गुजर रही है, यानी ईस्ट में होकर जो है वो गुजर रही है। इसलिए जो है देश के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां भी अनुकूल है और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार से यहाँ पर अगले 2-3 दिनों में मानसून चला जाएगा। वही मानसून की वापसी के चलते लक्षद्वीप और उसके आसपास की ऊपर जो है हवा के साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसलिए जो है दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप और उसके आसपास के इलाकों में क्षेत्र बन गए हैं, जिसके चलते अगले 7 दिन तक लक्षद्वीप, केरल में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तरी कर्नाटक, रॉयल सीमा, तेलंगाना में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही 14 तारीख तक जो है तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर चेतावनी है और 12-13 को तमिलनाडु पुडुचेरी में दोनों में जो है चेतावनी है। कराईकल के अलग अलग स्थानों पर भी इसी तरह की स्थितियां देखने को मिलेगी। वही कर्नाटक में भी कुछ इलाकों में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। वही उत्तर पूर्व भारत में छटपुट बौछारें पड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अलग स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। 11 तारीख को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश होगी। वही पश्चिम भारत में कोंकण, गोवा में छटपुट बारिश को लेकर हल्की बारिश, कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 12 तारीख तक जो है कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। वही उत्तर पश्चिम पूर्वी मध्य भारत में अगले 1 सप्ताह के दौरान वर्षा होने का, मतलब बरसात होने की ज्यादा संभावना नहीं है और 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इसलिए जो है मौसम विभाग ने मछुआरों से अपील किया है कि वो समुद्र तटों से दूर रहे। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के, यहाँ पर दक्षिणी श्रीलंका के तट के साथ साथ दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्य अरब सागर और दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पूर्व भाग और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के तट के आसपास 13 अक्टूबर को जो है दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से जो है उतरने से बचने के लिए यहाँ पर मछुआरों को जो है वो सलाह दी गई है। तो देश के ज्यादातर राज्यों में जो है इसी तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर फिलहाल ही जानकारी दी गई है कि देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून चला गया है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है अगले 1-2 दिन तक जो है पश्चिम विक्षोभ का असर रहेगा और मेघगर्जन में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। दरअसल बात यह है कि राजस्थान के अंदर जो है मौसम विभाग ने हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया है और कुछ इलाकों में येलो जारी किया है। वही पश्चिम विक्षोभ के असर के कारण जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जिलों में बारिश से होने के साथ तापमान में बदलाव के आसार है। मौसम विभाग ने हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार जताए। जिलों में ज्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बता दें आपको कि इससे पहले कल भी जो है जयपुर में अचानक मौसम में बदलाव हुआ। मानसरोवर और मुहाना मंडी के आसपास के इलाकों में बारिश हुई। बारिश की वजह से ही मौसम ठंडा हुआ, हालांकि बारिश का पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया था, फिर भी बारिश हुई। तो ये कुछ स्थितियां जो है देश के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी इसी तरह की स्थितियां, पश्चिम विक्षोभ के कारण राजस्थान में ये बारिश हो रही है। एमपी की बात करें तो अगले 3 दिन बादल छाए रहेंगे। 21 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार है और 3 दिन का पूर्वानुमान जारी कर दिया। मध्य प्रदेश में भले ही 2-3 जिलों में मानसून की विदाई होगी हो, लेकिन पश्चिम विक्षोभ और चक्रवात सक्रिय होने के चलते जो है 21 जिलों में मानसून की विदाई अटक गई है। ऐसे में अगले 3 दिन तक दक्षिण पूर्व हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार है और मौसम में तेजी से बदलाव आएगा। गुलाबी ठंड का एहसास होने लगेगा। संभावना है कि 20 तारीख की रात से जो है तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी और रात को तापमान 20 डिग्री से नीचे जो है वो रात का जाने के आसार जताएंगे। तो ये कुछ स्थितियां जो है देखने को मिल रही है। तो ये स्थिति हम आपको बता रहे हैं जो कि रही थी राजस्थान की, और स्थितियाँ राजस्थान के अलावा जो है देश के ज्यादातर राज्यों में ये स्थितियाँ रही। अभी बात करते हैं
एमपी की जो स्थिति जो उसकी बात करती है, अभी बात झारखंड की करते हैं, तो बारिश ने दुर्गा पूजा पर खलल डाला है। मूसलाधार बारिश से परेशान लोग यहाँ पर हो चुके हैं। दरअसल बात यह है कि राजधानी रांची समेत ज्यादातर इलाकों में पिछले 2 घंटों से मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर पिछले 24 घंटों में जारी रहा। पूरा शहर जलमग्न हो गया। दुर्गा पूजा के समय जो है मूसलाधार बारिश ने पंडाल पहुंचने वाले श्रद्धालु जो है पंडाल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के बीच खलल पैदा कर रही है। पूजा पंडाल में भी बारिश की वजह से जल जमाव और कीचड़ जैसे हालात हो गए। हालांकि पंडाल समिति की ओर से कीचड़ में बचाव के लिए कई तरह उपाय किए गए, लेकिन लगातार हो रही बारिश से जो है यहाँ पर हालात खराब हो रहे हैं। तो ये कुछ स्थितियाँ जो है देखने को मिल रही है। बिहार की बात करें तो जाते जाते नवरात्रि में जमकर खेला करेंगे मानसून। कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी है। दरअसल बिहार में जो है आज मौसम सुहाना है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में कुछ इलाकों में बारिश हुई और हल्की बूंदाबांदी तो कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। अभी आगामी 24 घंटों में बारिश का दौर जारी रहेगा और मानसून की वजह से पहले जो है एक बार फिर से प्रदेश में जो है कुछ इलाकों में बारिश को लेकर चेतावनी जरूर यहाँ पर दी गई है। वैसे वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें इस वीडियो को और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन आप दबा दें ताकि खबरें आपको मिलती रहे इसी तरह की। धन्यवाद।